अब डिफरेंशिएट करना है किसके बीच में, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ रिसर्च, किस में, सोशल रिसर्च में, सोशल रिसर्च ही कंसिडर हो रही है, ठीक है। तो दोनों क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथड, दोनों मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं सेम रिसर्च में, ऐसा नहीं कि हमें एक ही अप्लाई करना है। दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कैन बी यूज फॉर अ सिंगल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। क्वांटिटेटिव मेथड है उसमें मोस्टली वो यूज होता है जिसमें न्यूमेरिकल डाटा, क्वांटिटी से याद रखना, न्यूमेरिकल डाटा एनालाइज्ड इन न्यूमेरिकल्स, ठीक है। और क्वालिटेटिव मतलब जिसमें मोस्टली न्यूमेरिकल नहीं होता, न्यूमेरिक डाटा नहीं होता, मोस्टली नॉन न्यूमेरिक है, ठीक है। क्वांटिटेटिव न्यूमेरिक है और क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी, मतलब क्वालिटी को तो मेजर नहीं कर सकते ना, उस तरह की चीज़ें ही सोच लो। तो क्वालिटेटिव मेथड इज मच हार्डर, कौन सा हार्डर रहेगा भाई, क्वांटिटी गिनना ज़्यादा मुश्किल रहेगा या क्वालिटी पता करना ज़्यादा मुश्किल रहेगा? तो क्वालिटेटिव मेथड ज़्यादा मुश्किल है, क्वालिटी से लगाया क्वालिटेटिव तो ये ज़्यादा मुश्किल है, मच हार्डर, किस से, क्वांटिटेटिव से, मच हार्डर एंड टाइम कंज्यूमिंग भी है भाई, ये पता करना किसी का बिहेवियर आसान काम नहीं है, लेकिन गिनना 10 लोगों को ज़्यादा आसान काम है। क्वांटिटेटिव इज क्विकर, इसमें तो गिनना ही है ना, तो इसमें डाटा ही लेना है ना, तो ये जल्दी होगा, क्वांटिटेटिव जल्दी होगा, क्वालिटेटिव नहीं होगा। और इसमें किस में, क्वांटिटेटिव में क्या होगा, लार्ज स्केल ऑफ डाटा होगा। जनरल फ्रेमवर्क ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड इज हाईली स्ट्रक्चर्ड, क्वांटिटेटिव का तो स्ट्रक्चर होगा ही, इसमें क्या क्या होगा, क्वेश्चन, सर्वे, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, बट इन केस ऑफ क्वालिटेटिव मेथड सेमी स्ट्रक्चर्ड मेथड, सेमी स्ट्रक्चर मतलब फोकस अलग है, इसमें फोकस करना है उस पर्सन के ऊपर, पार्टिसिपेंट के ऊपर ऑब्जर्वेशन करना है, मतलब जो हम वो बोल रहा है उससे ज़्यादा हमें उसे ऑब्जर्व करना है, तो इसका मतलब क्वालिटेटिव ये है। क्वांटिटेटिव मतलब जो वो बोल रहा है बस वही करते जाओ, मतलब वही नोटिस करते जाओ, वही नोट करते जाओ। और क्वालिटेटिव मतलब ऑब्जर्व भी करना है, उसे क्या रिस्पॉन्स है वो देखना भी है, ठीक है। जो क्वालिटेटिव मेथड है वो इंटरेक्टिव प्रोसेस है, इंट्रैक्शन होगा क्वालिटी तभी तो पता करोगे, इंटरेक्टिव मेथड है, इंटरेक्टिव प्रोसेस है, किसके बीच में, पार्टिसिपेंट एंड रिसर्चर के बीच में इंटरेक्ट करना है। क्वांटिटेटिव जो है, क्वांटिटेटिव मेथड, पार्टिसिपेंट डू नॉट इन्फ्लुएंस द रिसर्चर एंड देयर रेस्पॉन्स डू नॉट डिटरमाइन हाउ एंड व्हाट क्वेश्चन आर आस्क्ड नेक्स्ट। मतलब भैया क्वांटिटेटिव मेथड फिक्स है, हमें ये पूछना है, ये रिस्क पूछते जाना है, और जो रेस्पॉन्स आया नोट करते जाना, जो आंसर मिला नोट करते जाना। क्वालिटेटिव में ये है, हमने ये पूछ लिया, इसका ये रिजल्ट, इसका ये आंसर आया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से बनेगा, बन सकता है, तो मतलब क्वालिटेटिव में इफेक्ट करेगा बट क्वांटिटेटिव में इफेक्ट नहीं करता। Do not influence the researcher and their response and do not determine how and what question are asked next. कौन quantitative, ठीक है, qualitative में तो होगा। Question format are mostly closed-ended, but in case of qualitative में तो open करना ही पड़ेगा। Qualitative में तो question format are open-ended, उसमें बात चलती रहनी है ना। Qualitative में मतलब चीज़ें deep में study करनी है, तो हमें deep में जाना ही पड़ेगा ना study करने के लिए।